दोस्तों, शेयर मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। बेसिकली जो कंपनी से अपने सेक्टर में मार्केट लीडर्स होते हैं, जिनके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एंड फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया होता है एंड जिनके मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। ये स्टॉक्स बहुत ही कम वोलेटाइल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, जिसमें आप अभी इन्वेस्ट करके एक अच्छा सा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में 10th नंबर पर है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जेनेरिक फार्मूलास, APIs एंड बायोसिमिलर्स मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग करती है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स 26.71% स्टेक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 26.26% स्टेक्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 24.69% स्टेक्स एंड रेस्ट 12.26% स्टेक्स पब्लिक होल्ड करते हैं। और इसमें प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी प्लेज नहीं है। इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 72,234 करोड़ रुपीज़ है, करंट प्राइस 4,338 रुपीज़ है। इसकी ROC 14% एंड ROE 11.4% है, जिसे कि अच्छा कंसिडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 1,729 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट 3,110 करोड़ रुपीज़ है एंड कंपनी के पास 1,238 करोड़ रुपीज़ का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी ये कंपनी जब चाहे अपनी डेप्ट इजिली क्लियर कर सकती है, इसलिए हम इसे डेप्ट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.08 है, यानी स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में 9th नंबर पर है HDFC बैंक लिमिटेड। इसके बारे में तो सब कुछ आप सब जानते होंगे, इसलिए ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 32.12% स्टेक्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 27.53% स्टेक्स, प्रमोटर्स 25.64% स्टेक्स एंड रेस्ट 14.7% स्टेक्स पब्लिक होल्ड करते हैं। इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग्स प्लेज नहीं है। नॉर्मल स्टॉक्स एंड बैंकिंग स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरह से अलग होती है। बैंकिंग स्टॉक्स के कासा रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये सब चेक करनी होती है, जिसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में 8th नंबर पर है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, यानी डीमार्ट। ये कंपनी सुपरमार्केट चेन से ऑपरेट करती है, जहाँ पर हमारे डेली यूसेज प्रोडक्ट्स सस्ते प्राइस पर मिलता है। आप लास्ट टाइम कब डीमार्ट से शॉपिंग किए थे, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर 74.99% स्टेक्स, पब्लिक 9.23% स्टेक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 8.72% स्टेक्स एंड रेस्ट 7.07% स्टेक्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग्स प्लेज नहीं है। इसकी मार्केट कैप 2,52,004 करोड़ रुपीज़ है, करंट प्राइस 3,890 रुपीज़ है। इसकी ROC 15.8% एंड ROE 11.5% है, जिसे कि अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 711 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट 2,308 करोड़ रुपीस है। यानी ये कंपनी भी अपनी डेप्ट इजीली क्लियर कर सकती है, इसलिए हम इसे डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.05 है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में 7th नंबर पर है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। यह कंपनी इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि कंसल्टेंसी, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग सर्विसेज। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर 73.87% स्टेक्स, पब्लिक 12.1% स्टेक्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 8% स्टेक्स एंड रेस्ट 6.04% स्टेक्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। इसकी मार्केट कैप 39,629 करोड़ रुपीज़ है, करंट प्राइस 3,754 रुपीज़ है। इसकी ROC 30.8% एंड ROE 24.5% है, जिसे कि अच्छा कंसीडर किया जाता है। कंपनी के ऊपर सिर्फ 461 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट 1,071 करोड़ रुपीज़ है एंड कंपनी के पास 851 करोड़ रुपीज़ का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी ये कंपनी जब चाहे अपनी डेप्ट इजीली क्लियर कर सकती है, इसलिए हम इसे डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.10 है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में 6th नंबर पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये कंपनी वर्ल्ड के सबसे बड़े FMCG कंपनी में से एक है, जिसकी प्रेजेंस 190 कंट्रीज में है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स यही कंपनी बनाती है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर 61.9% स्टेक्स,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 14.05% स्टेक्स, पब्लिक 12.31% स्टेक्स एंड रेस्ट 11.76% स्टेक्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। इसकी मार्केट कैप 5,86,059 करोड़ रुपीस है। करंट प्राइस 2,494 रुपीस है। इसकी ROCE 24.3% एंड ROE 18.4% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 1,139 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 9,668 करोड़ रुपीस है एंड कंपनी के पास 7,995 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी ये कंपनी जब चाहे तब अपनी डेप्ट इजिली क्लियर कर सकती है, इसीलिए हम इसे डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.02 है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी एडहेसिव्स एंड सीलेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसकी पॉपुलर ब्रांड्स में फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिड, फेविक्विक, एमसील एंड फेविस्टिक शामिल है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर 64.94% स्टेक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 11.34% स्टेक्स, पब्लिक 10.98% स्टेक्स एंड रेस्ट 7.73% स्टेक्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग्स प्लेज नहीं है। इसकी मार्केट कैप 1,36,760 करोड़ रुपीस है। करंट प्राइस 2,691 रुपीस है। इसकी ROCE 26.1% एंड ROE 20.2% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 680 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 1,309 करोड़ रुपीस है एंड कंपनी के पास 581 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी ये कंपनी भी अपनी डेप्ट इजीली क्लियर कर सकती है। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.10 है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजिटल प्रोसेस ऑपरेशंस, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटीज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड और भी बहुत तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर 60.72% स्टेक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 17.17% स्टेक्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 16.54% स्टेक्स एंड रेस्ट 5.57% स्टेक्स पब्लिक होल्ड करते हैं। इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। इसकी मार्केट कैप 2,97,350 करोड़ रुपीस है। करंट प्राइस 1,096 रुपीस है। इसकी डिविडेंड यील्ड 3.45 है, जो कि अच्छा होता है। इसकी ROCE 25.4% एंड ROE 22% है, इससे भी बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 6,517 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 13,815 करोड़ रुपीस है एंड कंपनी के पास 15,345 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी ये एक डेप्ट फ्री स्टॉक है। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.11 है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है एशियन पेंट्स लिमिटेड। जैसे कि आप सब जानते होंगे, ये एक पेंट कंपनी है। उसके साथ साथ वॉल कवरिंग, वाटर प्रूफिंग, एडहेसिव्स, होम इम्प्रूवमेंट एंड डेकोर जैसे सर्विसेज भी इसके पोर्टफोलियो में हैं। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स 52.63% स्टेक्स, पब्लिक 20.03% स्टेक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 18.56% स्टेक्स एंड रेस्ट 8.78% स्टेक्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। इसकी मार्केट कैप 2,96,699 करोड़ रुपीस है। करंट प्राइस 3,093 रुपीस है। इसकी ROCE 29.7% एंड ROE 23.2% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 1,866 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 3,745 करोड़ रुपीस है। यानी ये कंपनी अपनी डेप्ट इजीली क्लियर कर सकती है। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.13 है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। बेबी फूड सेगमेंट में सेलेक्ट ब्रांड के साथ इसकी मोनोपोली है। इसके साथ साथ किटकैट, नेस्कैफे एंड मैगी जैसे प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बनाती है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर 62.76% स्टेक्स, पब्लिक 16.33% स्टेक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 12.05% स्टेक्स एंड रेस्ट 8.86% स्टेक्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। इसकी मार्केट कैप 1,90,769 करोड़ रुपीस है। करंट प्राइस 19,786 रुपीस है। इसकी ROCE 147% एंड ROE 113% है, जिससे कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 280 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 2,165 करोड़ रुपीस है एंड कंपनी के पास 1,541 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी इसे हम डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.12 है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं।
दोस्तों इस लिस्ट के फर्स्ट नंबर के स्टॉक के बारे में बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसीलिए आप सब इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी TCS। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर 72.3% स्टेक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 13.05% स्टेक्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 8.58% स्टेक्स एंड रेस्ट 6.06% स्टेक्स पब्लिक होल्ड करते हैं। इसकी मार्केट कैप 12,06,719 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 3,298 रुपीस है, इसकी ROC 54.9% एंड ROE 43.6% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 7,460 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 39,749 करोड़ रुपीस है एंड कंपनी के पास 36,985 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी ये कंपनी भी जब चाहे तब अपनी डेप्ट इजीली क्लियर कर सकती है, इसलिए हम इसे डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.08 है, यानी स्टॉक के भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।